मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में एडिशन भी हो, एडिशन साइन भी हो और सब्ट्रैक्शन साइन भी हो, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था। ओके, सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व किया था हम लोगों ने। आज क्या करना है? एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। ओके, फर्स्ट ए बी सी डी, ये चारों हम लोगों ने, मतलब ए मैंने आपको बताया एंड बी सी डी आपको सॉल्व करने थे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके, अगर हो तो पूछ लेना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम या बोलो तो स्टोरी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन सेकंड, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 43,756 एंड 3,28,954 फ्रॉम 9,63,287। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, किसका सम करना है, किसका सम करना है, पहले इन दोनों के सम को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है देखते हैं। वेट अ मिनट, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, किसका सम सब्ट्रैक्ट करना है? सम ऑफ 43,756 ओके प्लस 3,28,954, इनके सम को प्लस करना है। ठीक है, जो आंसर आता है उसको किस में से माइनस करना है? 9,63,287 इसमें से इस आंसर को माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है और फिर इसमें से माइनस करना है। सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 4 10 0 1 कैरी। ओके, 5 5 10 प्लस 1 11 5 5 10 प्लस 1 11 11 1 1 कैरी। 9 प्लस 1 10 9 प्लus 1 10 10 plus 7 17 10 plus 7 17 1 कैरी। 8 plus 1 9 8 plus 1 9 9 plus 3 9 plus 3 12, so 2 1 carrying, okay? Then 2 plus 1 3 2 plus 1 3 3 plus 4 7 3 plus 4 7 and 3, okay? ये क्या आया? इन दोनों को ऐड करने पर आंसर। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, करो, आंसर क्या है? 9,63,287 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3,72,710, ये क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। ओके, सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 0, किसी भी डिजिट में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है? सेम डिजिट आंसर आता है, 7 माइनस 0 7। 8 माइनस 1 8 माइनस 1 7। 2 माइनस 7 2 माइनस 7 हो नहीं सकता, क्या करेंगे? पास से बोरो करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 12 और यहाँ 2। ओके, देन 12 माइनस 7 5 12 माइनस 7 5, सो 5। ओके, देन 2 माइनस 2 0, सेम डिजिट को अगर हम सेम डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0। 6 माइनस 7 हो नहीं सकता, तो पास वाले डिजिट से बोरो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पास वाले डिजिट से बोरो करेंगे, यहाँ तो क्या हो जाएगा? 16 और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 9 की प्लेस पर 8। ओके, अभी सॉल्व क्या करना है? 16 माइनस 7, क्या आंसर होता है? 16 माइनस 7 9। ठीक है, 16 माइनस 7 9। 8 माइनस 3 8 माइनस 3
क्या होता है? 5, 8 माइनस 3, 5, ओके। तो ये हमारा आंसर आता है, ओके। ये क्या आता है हमारा आंसर। सो इस तरह से सॉल्व करना है, ओके। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। क्या करना है? पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इनका जो आंसर आता है उसको इसके आंसर में, इसके आंसर को इसमें से माइनस करना है। मतलब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इनका जो आंसर आता है उसमें से इनका जो आंसर आता है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। बहुत इजी है, सॉल्व करके देखना, प्रॉब्लम हो तो पूछना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉलेज लाइब्रेरी हैज़ 20,586 बुक्स। एक कॉलेज लाइब्रेरी में 20,586 बुक्स हैं। देर आर 1,856 बुक्स इन इंग्लिश, ठीक है। जिसमें से 1,856 बुक्स किसकी हैं? इंग्लिश की हैं। 3,245 बुक्स ऑफ हिंदी, जिसमें से 3,245 बुक्स किसकी हैं? हिंदी की हैं। एंड 2,037 बुक्स इन मैथ्स, और 2,037 किसकी बुक्स हैं? मैथ की बुक्स हैं। एंड रिमेनिंग बुक्स आर ऑफ अदर सब्जेक्ट, और बाकी की, इनके अलावा जो रिमेन होती है ना, इन तीन बुक्स के अलावा जो बुक्स रिमेन होती हैं इन, इसमें से टोटल में से जितनी बुक्स रिमेन होती हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स की बुक हैं। तो कितनी रिमेन होती हैं? फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग बुक्स। हमें क्या करना है? जो रिमेनिंग बुक्स हैं उन उसका नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो क्या करेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। मतलब बुक्स ऑफ इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स, ठीक है। इन तीनों को पहले प्लस करना है, फिर क्या करना है इसके बाद में? टोटल माइनस इनका जो नंबर ऑफ बुक्स का जो टोटल आता है उसको क्या करेंगे? माइनस किसको? नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स को क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? इंग्लिश हिंदी एंड मैथ्स की बुक को टोटल करेंगे, ठीक है। फिर ये जितनी टोटल बुक्स है ना, इन बुक्स में से इनका जो आंसर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो होमवर्क में क्या करना है? क्वेश्चन 2, 3, एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन 2, 3, एंड 4, अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ओके। वरना बहुत ईजी है बेटा सॉल्व करने को तुम, ओके। बाय।